नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ उसके अंदर हम उस टाटा ग्रुप के इतने बड़े शेयर की बात करेंगे जो रिसाइकलिंग के सेक्टर के अंदर बहुत तगड़ा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 सालों से इस शेयर ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। यहाँ पर आप क्वार्टरली वाई क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख सकते हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ लगभग 2020 से उसके बाद कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है, जो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ ओवरऑल ईयरली वाइज भी कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। तो हम विस्तार से इस कंपनी के बारे में बात करेंगे और फ्यूचर के अंदर कितनी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल इस शेयर के अंदर है, तो मैं आपको उसकी वेबसाइट के लूप लेके जाऊंगा, जहां पर आपको मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि रिसाइकलिंग के सेक्टर के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी और ट्रस्टेड कंपनी के नाम से विख्यात ये बहुत बढ़िया रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्वार्टरली वाइज रिटर्न की जो बात कर रहा हूँ वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली पिछले 7-8 क्वार्टर से इसके अंदर एक पोटेंशियल ग्रोथ बनती हुई दिखाई दी है, और सभी इन्वेस्टर का इसने ध्यान अपनी तरफ खींचा है, और यही रीज़न है कि DII FII ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बीते मार्च क्वार्टर के और दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर से मार्च के अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इस बात से ये उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि इस शेयर ने जितनी अपनी परफॉर्मेंस चार्ट के ऊपर दिखाई है उतनी ही यहाँ पर ये एक्सेल के अंदर भी आपको यहाँ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है कि किस हिसाब से ये कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाता हुआ शेयर आपको नज़र आ रहा है चार्ट और एक्सेल के ऊपर। तो हम विस्तार से इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कंपनी जिस हिसाब से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ इंडिया लिमिटेड की, जो एक तरीके से टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ ए प्रोड्यूसर ऑफ टिन कोटेड एंड टिन फ्री स्टील शीट इन इंडिया एंड इट्स अ सब्सिडरी ऑफ टाटा स्टील, यानी कि टाटा स्टील का जो भी माल है उसको रॉ मटेरियल मिल जाता है टिन प्लेट को, और वहाँ से ये फर्दर अपना काम करती हुई दिखाई देती है। जब मैं आपको इसके प्रोडक्ट बनाते हुए दिखाऊंगा यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर, तब आपको समझ आएगा कि इसका जो बिजनेस है वो एवरग्रीन बिजनेस है। और हम बात करेंगे फिलहाल इसके बैलेंस शीट की और कंपनी की पूरे की पूरी प्रोफाइल की कि एक्सेल के ऊपर फाइनेंशियली रूप से ये कंपनी किस हिसाब से दिखती हुई दिखाई दे रही है। तो 35,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, और 199 यानी कि 200 रुपये का इसका लो है और 443 का इसका हाई है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि लगभग 100% से ज़्यादा के इस शेयर ने रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं, और इस समय मार्केट करेक्शन में ये शेयर आपको बहुत बढ़िया रीजनेबल प्राइस पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी हम फर्दर आगे बात करेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कंपनी टाटा की ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और जिस हिसाब से इसके क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे बहुत बढ़िया नज़र आती हुई ये अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है, कोई भी नेगेटिव यहाँ पर नज़र आता हुआ नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ पिछले 5 सालों में इस शेयर ने लगभग 66% की CAGR के साथ ग्रोथ दर्ज की है, जो बहुत बढ़िया और अट्रैक्टिव है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर और उसके बाद टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड आती हुई दिखाई दे रही है, और यानी कि ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्रोथ बनाती हुई आगे आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगी, जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट मेकिंग जनरेशन दिखाई देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जैसा कि हम बता रहे थे, इसको मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको ईयरली वाइज अगर डाटा दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कंपनी पिछले 4-5 सालों से बहुत बढ़िया नंबर दिखाती हुई दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ से इसको कंसिडर ले सकते हैं कि किस हिसाब से कंपनी पिछले 2017-2018 उसके बाद थोड़ा सा यहाँ डिक्लाइन 19 और 20 में आता हुआ नज़र आ रहा है ड्यू टू कोविड के, और उसके बाद फिर से कंपनी उठती हुई 21 और 22 में, ये 2022 के नंबर है 500, जो आपको इस बात के लिए गवाही देते हुए नज़र आ रहे हैं कि कंपनी ने उठकर इतने बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। ये इस हिसाब से आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप 2 सालों के नेट प्रॉफिट को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इस समय ये सबसे ज़्यादा बूम बनाता हुआ नज़र आ रहा है वो आपको दिखा रहा है कि कंपनी की ताकत एक्चुअली क्या है। पिछले 2-3 सालों में टाटा ग्रुप ने किस हिसाब से, चाहे वो
कोई भी कंपनी हो, टाटा स्टील हो, टाटा मोटर हो, टाटा डीवीआर हो, टाटा इलेक्सी हो, टीसीएस हो, सब ने बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर जो यहाँ पर दिख रहा है उससे आप ये गर्व महसूस करेंगे कि पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम कमाते हुए किस हिसाब से 100% नेचुरली नंबर वन कंपनी टिन प्लेट आपको इंडिया के अंदर अक्रॉस वर्ल्ड वाइड बहुत बढ़िया काम करती हुई दिखाई दे रही है। टिन प्लेट इज़ द मोस्ट सस्टेनेबल पैकेजिंग मीडिया एंड अ वर्सेटाइल पैकेजिंग सबस्ट्रेट विच फाइंड यूजर्स अक्रॉस अ वाइड रेंज एंड फूड, एडिबल ऑयल, प्रोसेसिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, नॉन फूड, प्लांट फूड, केमिकल, एरोसोल स्प्रे। तो इन किसी की भी जो पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है वो ये कंपनी बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि खुद टाटा के अपने जो टाटा स्मार्ट फूड्स के नाम से खुद की कंपनियां और भी बहुत सारी हैं, उनके लिए भी टाटा कॉफ़ी है, तो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो खुद ये टाटा कंपनी की ये टिन प्लेट कंपनी बनाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि खुद के कारोबार के लिए इसके पास बहुत तगड़ी जो डेप्थ है, उसके बाद जब मार्केट में अदर होल्डिंग को देखती है तो डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया सस्टेनेबल काम करते हुए दिखाई दे रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिन प्लेट ऑफर बेटर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस ओवरऑल कंपेयर टू अदर मटेरियल यूजेस फॉर द सेम पर्पस। तो यहाँ पर जो गारंटी देती हुई कंपनी दिखाई दे रही है इतने बढ़िया प्रोडक्ट के साथ, और आप टाटा के ऊपर इस बात को भी विश्वास कर सकते हैं कि जो उन्होंने कहा है और वही उन्होंने किया है। पर लेकर आया हूँ जहाँ पर आप देखेंगे 100 ईयर ऑफ ट्रस्ट एंड टुगेदरनेस, 100% नेचुरली टिन प्लेट 1920 से कंपनी 2020 तक अपनी जो गोल्डन जुबली ईयर बनाती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये 100 साल के बाद फर्दर 2 साल और ज़्यादा, और डेफिनेटली जिस हिसाब से ये कंपनियाँ काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, ये आप कॉफ़ी का मग देख सकते हैं किस हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट को और भी बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल को ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आप जब देखते हैं मार्केट के अंदर इनके डिज़ाइन और रिसाइकलिंग प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर आपको फर्दर आप ये इस हिसाब से इसकी टैगलाइन को देख सकते हैं, 100% रिसाइकलेबल एंड इको फ्रेंडली, रिटेन एरोमा एंड फ्लेवर, पिल्फर एंड टेम्पर प्रूफ, डिस्टिंग ब्रांड अपील। तो यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है उस हिसाब से आपको ये समझ आता है कि ये जो प्रोडक्ट इनके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं उससे आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड इस तरह के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया निकलते हुए ग्लोबली आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो टिन प्लेट आपको यहाँ नज़र आती हुई इस फैक्ट्री के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यही प्रोडक्ट आगे फर्दर आपको बहुत सारी चीज़ें बनाते हुए कलर कोटिंग के अंदर, ये देखिए ये जो सभी प्रोडक्ट हैं मार्केट के अंदर जो आपको नज़र आएंगे, इन्हीं प्रोडक्ट को कंपनी बनाती हुई दिखाई देती। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को यूज़ करते हैं पर उनको देख नहीं पाते हैं, और यही रीज़न है कि एक छोटी छोटी बात शेयर मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े मायने रखती है। किस हिसाब से टिन प्लेट का शेयर पिछले 1-1.5 साल में मल्टीवेगर रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया है, और उसका रीज़न ही यही है कि इसने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उससे ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोसेसिंग, आपको ये समझ आता है कि कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। इसके साथ साथ कंपनी अपने सोशल के अंदर सोशलिस्ट उसके लिए भी काम करती हुई दिखाई देती। ये इसके कुछ वैल्यू एडेड डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर आपको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि कंपनी करती क्या है, कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ कैसे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं जो रेगुलरली आप किसी भी स्टोर्स के अंदर आप जाएँ, डीमार्ट के अंदर जाएँ, विशाल मेगा मार्ट के अंदर जाएं, या फिर रिलायंस फ्रेश के अंदर जाएं, बिग बाज़ार के अंदर जाएं, आइकिया के अंदर जाएं, आपको ये पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट हर जगह दिखाई देंगे। और इंडियन मार्केट के अंदर ये ग्रोथ अभी इतनी ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में इसका बिजनेस ग्रोथ डबल से ट्रिपल होने वाला है। तो वहाँ पर टिन प्लेट कंपनी आपको एक बहुत मजबूत फंडामेंटल के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी।
कि किस हिसाब से इसने पिछले एक डेढ़ महीने में जो रिटर्न दिए हैं उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इसके अंदर एक बहुत बढ़िया मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न है मार्केट के अंदर रेगुलर करेक्शन बनते हुए शेयरों के अंदर एक मौका बन रहा है और यहाँ पर टिनप्लेट कंपनी लगभग 19-20% तक डाउनफॉल के साथ आपको दिखाई दे रही है, यानी कि कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है, कमी है मार्केट का जो ट्रेंड है। और उस ट्रेंड के अंदर अगर आप देखें तो इस समय जो मौका है वो लपकने का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं 5 साल के रिटर्न की बात करूँ तो 263% तक के रिटर्न इस शेयर में निकले हैं। और वहीं अगर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूं कि यहाँ पर जब ये शेयर आपको 2020 के अंदर ये इस हिसाब से 68 रुपीज़ पर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा था और वहाँ से इस शेयर ने लगभग 440-445 रुपये का हाई बनाया, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से इसने इस टाइम फ्रेम के अंदर इतने बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं जो लगभग 300-400% तक निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कंपनी आपको आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा रिटर्न देती हुई नज़र आएगी।